जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोग का सिविल डिफेंस एकेडमी लखनऊ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लगातार हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं हिस्ट्री के, उसको हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। वहाँ कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उनको भी लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करिए और इसको कंटिन्यू देखते रहिए। इस क्रम में हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका एक मोमेंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस क्लास को आप पूरी तरीके से स्टडी कर लेंगे तो एग्ज़ाम जो अपकमिंग है, आने वाला है, जिसमें आप एग्ज़ाम में जाने वाले हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 100% गारंटी के साथ में सही हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है हिस्ट्री का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट। ये दो मूवमेंट हमें एक चैप्टर में कवर करने हैं। तो इसको स्पीड में कैसे दो मूवमेंट को एक साथ में हम लोग स्टडी करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं उनको भी हम देख लेंगे, और जितने भी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, दोनों मूवमेंट एक साथ इंडिया में स्टार्ट हुए, और इनके एंड होने का टाइम थोड़ा सा डिफरेंट है। अलग अलग समय पे ये ओवर हुए, लेकिन दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। और दोनों का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है। नॉन कोऑपरेशन का मतलब है कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। देखिए, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो हमें पहले से पता है उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से हटा दीजिए। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन पे आप पहले फोकस करना है आपको। तो मैंने बताया कि नॉन कोऑपरेशन मतलब हम आपके साथ में कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोई भी सहयोग हम नहीं करेंगे, तो इसका ये मीनिंग हो गया। खिलाफत का मतलब होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी आपने डिसीजन लिया है, उसके सपोर्ट में हम नहीं हैं, बल्कि उसके अगेंस्ट में हैं। तो इसी के साथ में हम इस मूवमेंट को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहले कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको ब्रीफ कर देता हूँ, जिससे आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा विज़न कि हमें कैसे इसके प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहला पॉइंट अगर हम ध्यान से समझें तो टू मास मूवमेंट, जो मैंने पहले आपको बता दिया है कि नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत, टू मास मूवमेंट की बात हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, कब ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, 1919 to 1922, ये ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं 1992 की मैं बात कर रहा हूं, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की है, और जो आपका खिलाफत मूवमेंट है, वो जो उसकी स्पीड होती होगी वो 1992 में वो एंड हो जाएगी, लेकिन भारत में जो ओवर होगा वो 1924 में। ये फैक्ट मैं आगे चल के क्लियर कर दूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग भी आपको पता होनी चाहिए, उसका एंड भी पता होना चाहिए, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी वो चैप्टर आपका क्लियर होगा। अदरवाइज अगर कोई भी डाउट रह गया माइंड में तो फिर आपको वो परेशान करता रहेगा, और एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन आया तो गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे टू मास मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज इन 1919 to 1922, अपोज मतलब अगेंस्ट में जाना, ब्रिटिश रूल जो है कहाँ पे, इंडिया में, उसके खिलाफ में। तो वो दोनों मूवमेंट कौन से थे, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आपके थे मूवमेंट जो इंडिया में एक साथ स्टार्ट हुए। दूसरा जो पॉइंट है, दिस टाइम पीरियड शो द यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिटी, एक साथ आना, क्योंकि लगातार हम पहले से देखते चले आ रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 में, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में INC बोलते हैं, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ दिसंबर महीने में। और दिसंबर महीने में 1906 में एक मुस्लिम लीग, एक नए ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन हुआ, उसका नाम है मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिम लीग पूरी तरीके से मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया में, लेकिन इंडिया को ये भी फ्री कराना चाहते थे ब्रिटिशर्स से। और जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए वो लगातार अपने मूवमेंट्स और अपने काम कर रही थी। इस तरीके से ये फर्स्ट टाइम ऐसा था, ये समय पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे दोनों एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन अगर आता है कि पहला समय ऐसा कौन था जहाँ पे दोनों एक साथ में थे, तो यही एक मूवमेंट था आपका
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट, जहाँ पे दोनों एक साथ देखे गए, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, खास तौर से सीडीएस के एग्जाम में जो स्टेटमेंट बनते हैं कि पहला स्टेटमेंट ये ट्रू है या रीजन असर्शंस में क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो है कॉज ऑफ द मूवमेंट, क्या कारण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी मूवमेंट होता है अचानक से लोग उठे और मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, तब जाके हम कोई भी आंदोलन, कोई भी क्रांति, कोई भी परिवर्तन करना चाहते हैं। तो क्या वो उसके पीछे कॉजेज हैं? पहला रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट एक अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, लेकिन मैं इतनी बात बता दूँ कि इसके बारे में, इसको काला कानून भी कहा जाता था इतिहास में, कहा जाता उसको हम जानते हैं, और बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का भी कानून, मतलब बिना बताए आपको एक अनिश्चित काल के लिए जेल में देना, ऐसा कानून उस समय अंग्रेजों ने भारत में इंप्लीमेंट किया था, जिससे भारत के लोग क्या थे, बहुत ज्यादा नाराज थे। अगर प्रेजेंट टाइम में भी हमारी गवर्नमेंट ऐसा करती है तो सारे के सारे लोग क्या होंगे, रोड पे आ जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे कि बिना बताए आप हमें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, ये सब आप लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग मास्केर कितना बड़ा हत्याकांड हुआ था, ये भी 1919 में, रॉलेट एक्ट ये भी 1919 में। उसके बाद में हंटर कमीशन, हंटर कमीशन रिलेटेड टू जलियांवाला बाग मास्केर, जलियांवाला बाग मास्केर की इंक्वायरी के लिए हंटर कमीशन, जो एक प्रकार का छलावा था, आई वॉच था, मतलब वो लोग आए, कमीशन बैठा गया, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं था। इसके साथ में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, देखिए कितना ये मैनिपुलेटिंग किस तरीके से काम करते थे कि नाम क्या है, रिफॉर्म मतलब सुधार करना, लेकिन उसके आड़ में कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ को इंडिया में, ऐसे रूल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे जिससे यहाँ की इकॉनमी, टैक्सेस, जितने भी किसान थे सबको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था। और साथ में खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, खलीफा रिमूव फ्रॉम द पावर, अब ये खलीफा क्या है, खलीफा की वजह से ही यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। खलीफा जो है टर्की के जो सुल्तान होते थे उस समय, एट दैट टाइम सारे के सारे पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स उनको अपना हेड मानते थे, अपने धर्म गुरु की मान्यता के रूप में उनको इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में एक संधि हुई, ट्रीटी हुई, सेवर्स की संधि, मैं आगे उसको डिस्क्राइब करूंगा, तो उसके वजह से अंग्रेज़ों ने सोचा, जो इनके मित्र राष्ट्र के जो और देश थे उन लोगों ने ये प्लान किया कि अगर खलीफा की पावर को अगर कम नहीं किया गया तो अगली बार फिर हमारे लिए चुनौती बनेंगे, हमें चैलेंज करेंगे और बार बार हमें वॉर में जाना पड़ेगा। तो यहां पे एक बात मैं छोटी सी क्लियर कर देता हूं, आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट, तो ये दोनों अलग अलग है। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो भारत की प्रॉब्लम्स को लेके स्टार्ट किया गया एक आंदोलन है, और जो खिलाफत मूवमेंट है उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में रहने वाले मुस्लिम्स जो खलीफा को, जो टर्की के सुल्तान थे उनका अपना धर्म गुरु मानते थे, उनको वहाँ से रिमूव कर दिया गया, उनकी पावर को ले लिया गया, इसलिए सारे मुस्लिम्स यूनाइट हो गए। और एक मज़े की बात और आपके लिए जानने जरूरी है कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था फर्स्ट, तो उस समय भारत सपोर्ट कर रहा था, किसको सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को, और यहाँ के मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके लिए फाइट कर रहे थे, और टैक्स, हैवी टैक्स इम्पोज किए गए थे उसमें इंडिया में, वो भी पे कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो हमारे खलीफा है, युद्ध जीतने के बाद में उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर देंगे, टैक्सेस में हम आपको रिलीफ प्रोवाइड कर देंगे, ये सब तो उन्होंने किया नहीं, साथ में मुस्लिम के आस्था को एक और चोट पहुंचाई, और जो उनके धर्म गुरु थे खलीफा उनको ही उनके पद से क्या कर दिया, उनके पावर को रिमूव कर दिया। तो ये चीज़ें समझ लीजिए कि जो असहयोग आंदोलन है वो ओरिजिनेट हुआ इंडियन इशू से, और जो खिलाफत है वो टर्की के सुल्तान के पद को हटाने की वजह से हुआ, लेकिन ये दोनों भारत में चल रहे हैं, मुस्लिम्स लीड कर रहे हैं खिलाफत आंदोलन को, और असहयोग आंदोलन के लिए मैंने रीज़न बता दिए हैं, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला मास्केर, हंटर कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये सारे रीज़न थे। लेकिन यही एक समय था जो मैंने ऊपर बताया, यूनिफिकेशन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, अगर कांग्रेस की जगह पर हम थोड़ी देर के लिए आपको बता दें हिंदू और यहां पे अगर मुस्लिम्स कर दें तो दोनों को एक साथ देखा गया, क्योंकि मुस्लिम ने कहा कि आप हमारे मूवमेंट में सपोर्ट करिए, हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके लिए हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, और कांग्रेस ने कहा कि आप भी हमारे साथ में आइए और दोनों लोग यूनाइट होकर हम इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको इजी वे में सारी चीजें क्लियर कर दी। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आते हैं
तो खिलाफत इशू क्या था, मैंने समझाया है, बस एक बार आप इसको देख लीजिए, बाद में आप चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट इसका नोट कर लीजिएगा। स्टेटमेंट जितनी भी मैंने पॉइंट लिखे हैं सारे किसी अगर एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में 100% वो आ सकते हैं। तो क्या इशू थे खिलाफत के, तो मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने कहा था कि सारे विश्व के मुस्लिम इसको अपना धर्मगुरु मानते थे, इंक्लूडिंग इंडिया, पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया भी था जो इनको सपोर्ट करता था, रिगार्डेड द सुल्तान ऑफ टर्की एज देयर स्पिरिचुअल लीडर, धर्मगुरु, जैसा कि मैंने बताया खलीफा, तो सभी लोग मानते थे और सारे विश्व के मुस्लिम नाराज थे, वैसे इंडिया में भी मुस्लिम जो यहाँ के थे वो उनसे नाराज थे। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया पहले ही, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, क्योंकि ये पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड हुआ उसमें दो ग्रुप थे, तो दोनों ग्रुप में अलग अलग थे, तो जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो ग्रुप फाइट कर रहा था उसके साथ में इनका अलाइट था, किसका, टर्की का, और टर्की के ही क्या थे ये आपके खलीफा जो वहाँ के हेड थे और पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स उनको हेड मानते थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की हैड अलाइड विद जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स इंडिया पर रूल कर रहे थे और इनके अगेंस्ट थे, इंडियन मुस्लिम सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दैट टाइम, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा इशू था खिलाफत का, जो बिल्कुल आपके माइंड को क्लियर कर देगा। और इससे अगर कोई भी स्टेटमेंट बनता है तो बिल्कुल उसको समझ के, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, जो भी आपके पास में पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए उस तरीके से करेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके अपने पास में आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स को डेवलप कर सकते हैं। ये पूरी आपको सीरीज मिलने वाली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिससे आप पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रेडी कर सकते हैं। इसके बाद में तो नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए फोटो एक देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, क्योंकि अभी तक आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 की क्रांति के बाद अगर भारत में कोई सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है तो आपने देखा, या मैं आपको सीरीज में लाऊंगा पढ़ाऊंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो वो सिर्फ बंगाल तक सीमित था, लेकिन पहला मूवमेंट था जिसको गांधी जी लीड कर रहे थे और एक वो मास लीडर के रूप में बनकर सामने आए थे और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट किया। और ये पिक आप देखिए कितना ह्यूज क्राउड है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरीके से पूरी गैदरिंग होती थी जब वो कोई बात कहते थे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे, अपनी देश की चीज़ों को हम अपनाएंगे। लोगों ने कहा ठीक है, बोले कपड़ों की होली जलानी है। जैसे उनका स्टेटमेंट आया उस क्राउड में जितने लोगों ने खादी को छोड़ के या अपने देश के बने हुए वस्त्रों को छोड़ के जो भी पहन रखा था सारे के सारे एक जगह लाके होलिका दहन जैसे होता उसमें आग लगा दी और सारा मतलब कुल मिला के उसको इंडिकेट करना था कि पूरा इंडिया बाइकआउट कर रहा है, हम आपके साथ में किसी भी तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, आप हमें क्या दे रहे हैं, आप रॉलेट एक्ट दे रहे हैं, जलियांवाला बाग हमें दे रहे हैं, जेम्स फोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म दे रहे हैं, मुस्लिम्स के रिलीजन जो रिलीजियस उनके गुरु हैं उनको आप हटा रहे हैं पावर से, तो हम आपके साथ में अच्छा कर रहे हैं और हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, अनजस्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको क्राउड बताता है कि कितना पावरफुल वो मूवमेंट था, कौन सा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और इसके बारे में बता दूं, इसके बाद में एक मूवमेंट आप पढ़ेंगे इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके बाद आपको क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन जितने भी उस समय के हिस्टोरियन इतिहासकार रहे हैं, चाहे वो इंडिया के रहे हों, चाहे ब्रिटेन के रहे हों, चाहे अदर कंट्रीज के रहे हों, यूएसए के रहे हो और भी यूरोपियन कंट्रीज के लोग रहे हो, उनकी जो किताबें हैं उसमें ये बताया गया है कि इससे बड़ा मूवमेंट इंडिया में नहीं हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट भी इससे बड़ा मूवमेंट नहीं था, मतलब सारे मूवमेंट्स में अगर सबसे बड़े मूवमेंट अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि सबसे ज्यादा लोगों ने किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, तो बिल्कुल आपको बिना किसी हिचक के बता देना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे बड़ा इंडिया का मूवमेंट हुआ, जहां पे पूरा भारत, लगभग पूरा भारत क्या था, एक साथ में आ गया था और जो गांधी जी बोल रहे थे वो लोग करने के लिए तैयार थे। और यही वो समय था जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, एचआरए और एसएचआरए जितने भी क्रांतिकारी वहाँ थे, अशफाक उल्ला खां हो, भगत सिंह हो, राजेंद्र लाहिड़ी हो, रोशन सिंह हो, बिस्मिल जी हो, जितने भी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जितने भी लोग वहाँ पे थे, सब लोग इस मूवमेंट में क्या कर रहे थे, गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए हम देश को आज़ाद करा लेंगे। यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि जो ये मूवमेंट है या जो मैंने कहा सिविल डिसोबीडियंस या क्विट इंडिया मूवमेंट या इसके पहले छोटे छोटे तीन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने किए, चंपारण किया, अहमदाबाद किया, खेड़ा किया, उन सब में एक चीज़ उन्होंने कॉमन रखी कि वो कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मतलब नॉन वायलेंस को फॉलो करना है एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी इस
सिचुएशन में अपने पेशेंस को मेंटेन करके हमें रखना है। तो मैंने आपको दिखा दिया, इस व्यू से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना ये बड़ा मोमेंट रहा होगा उस समय। फिर नेक्स्ट जो आते हैं, जो अगले टॉपिक है, ये सिक्स टॉपिक जो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमन एम्पायर वॉज डिवाइडेड, जो एम्पायर मैंने भी बताया टर्की का, वो क्या हो गया, डिवाइडेड हो गया। टर्की वॉज डिसमेंबर्ड, बिखराव हो गया। एंड द खलीफा वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द पावर, मैंने पहले बता दिया। ट्रीटी ऑफ सेवर्स मैंने जो अभी बात की थी, तो ट्रीटी ऑफ सेवर्स क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, आता भी है कि किस ट्रीटी के थ्रू टर्की के खलीफा को हटा दिया गया, रिमूव फ्रॉम पावर कर दिया गया, टर्की को डिसमेंबर्ड कर दिया गया। तो वो ट्रीटी कौन सी थी, सेवर्स की संधि थी। सेवर्स की संधि में डिसाइड किया गया कि इसको डिसमेंबर्ड करना है, पावर को कम करना है, ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। वॉज साइंड इन मे 1920 में ये संधि, कंप्लीटली डिसमेंबर टर्की, जिसने टर्की का विघटन कर दिया। ये जो स्टेटमेंट है नंबर, ये टोटली रिलेटेड टू खिलाफत मूवमेंट, उससे रिलेटेड है, क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपको 4-5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो 7th पॉइंट है, मुस्लिम हु टूक एज ए इंसल्ट, ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम मानेंगे उसके साथ में कुछ अन्याय होगा तो हम इंसल्ट ही फील करेंगे। द अली ब्रदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है यहाँ पे। द अली ब्रदर्स, नाम याद कर लीजिएगा, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बिल्कुल रट लीजिए अभी से। अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, प्रश्न आता कई बार नाम नहीं देता है, वहां देता बंधु, बंधु मतलब कौन से बंधु, अली बंधु, और भी ऑप्शंस में रहते तो अली बंधु, क्यों, शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों लोगों ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, वो लोग रूल कर रहे थे, उन्होंने सेवर्स की संधि की थी, उन्होंने खलीफा को हटाया था, तो उन्हीं के खिलाफ हम मूवमेंट करेंगे ना, और किसी के खिलाफ मूवमेंट नहीं स्टार्ट करेंगे। इनके आदर्श लीडर्स को देख लेते हैं, वेरी वेल नोन, मौलाना आजाद, हकीम अजमल, हशरत मोहानी, ये क्या थे, इसके आदर्श लीडर थे। अगर आप थोड़ा सा सीडीएस में के एग्जाम में जाते हैं तो एक दो बार पूछा गया है क्वेश्चन से कि इनमें कौन सा लीडर नहीं था, तो ये सारे लीडर्स थे, इनके नाम याद कर लीजिए, इनसे बाहर प्रश्न कभी भी नहीं बनेगा, ये बिल्कुल श्योर कंफर्म है। लेकिन यहाँ पे दो नाम याद रखिएगा, शौकत अली, मोहम्मद अली, या अली ब्रदर्स, या अली ब्रदर्स, या हिंदी में अली बंधु। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। फिर 8th नंबर पे, दिस मोमेंट टूक द प्लेस बिटवीन द 1919 एंड 1924, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, जो इस मोमेंट का मेन जो कोर टाइम रहा ना, वो 1919 से लेके 22 तक रहा, लेकिन जो एंड हुआ वो 1924 में हुआ। तो ऑल खिलाफत कॉन्फ्रेंस, जो इसकी कॉन्फ्रेंस हुई, वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन नवंबर 1919। तो जो इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई वो कहाँ हुई, दिल्ली में, वही डिसाइड किया गया कि हमें कैसे कैसे इस मूवमेंट को चलाना है। तो मैंने पहले बताया बायकॉट करना है, क्या करना है, किसका बायकॉट करना है, ब्रिटिश गुड्स का, जो भी अंग्रेज करते हैं। ये सारी जो घटनाक्रम है, मैं फिर से बता दूँ, ये खिलाफत की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैंने नॉन कोऑपरेशन की बात नहीं की, सिर्फ मैंने आपको फोटो दिखाई है। जो नेक्स्ट है, ऑल दो महात्मा गांधी वॉज फेवर्ड इन लॉन्चिंग द सत्याग्रह अगेंस्ट, और तो महात्मा गांधी, यहाँ से देखिए महात्मा गांधी जी की एंट्री हो रही, वो क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, किसका फेवर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक मौका माना, क्या मौका माना, कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने का ये सुनहरा अवसर है, गोल्डन टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, कि दोनों कम्युनिटी एक साथ में आके अंग्रेजों को हमेशा हमेशा के लिए देश से भगा सकते हैं, देश में जो हमारे डिमांड्स है वो हम पूरी कर सकते हैं। तो सत्याग्रह उन्होंने लॉन्च किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब कि हम सहयोग नहीं करेंगे, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऑन द खिलाफत इशू, खिलाफत इशू को भी उन्होंने शामिल किया। द कांग्रेस वॉज नॉट यूनाइटेड ऑन दिस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल, स्टार्टिंग में मैं बता दूं कई सारे मूवमेंट हुए जहां पे कांग्रेस रेडी नहीं थी, तो यहां भी था, जब महात्मा गांधी ने कहा कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस वॉज नॉट रेडी, कांग्रेस तैयार नहीं थी। लेकिन यहां मैं बता दूं कि सिर्फ खिलाफत टॉपिक नहीं था, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वहां पर रॉलेट एक्ट भी था, जलियांवाला बाग नरसंहार भी था, मास्केयर भी था, उसके साथ में हमारे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू रिफॉर्म भी थे, का हंटर कमीशन भी थे, सारे के सारे इशू थे ना। इसी के साथ में अगर हम ऐड कर लें कि भाई ठीक है खिलाफत इशू भी है, तो क्या प्रॉब्लम है, जब दोनों कम्युनिटी साथ में आके फाइट करना चाहते हैं, तो महात्मा गांधी का नहीं, मैं मूवमेंट चलाऊंगा, क्योंकि देश पूरा नाराज था इतने सारे टॉपिक को लेके। तो अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 10th पॉइंट पे, इन नवंबर 1922 पीपल ऑफ टर्की
रोज अंडर द मुस्तफा कमाल पासा, सेवर्स की संधि के बाद वो अलग कर दिए गए, मुस्तफा कमाल पासा के अंडर में गवर्नमेंट बन गई और उन्होंने इस पद को स्वयं से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और टर्की को एक सेकुलर स्टेट बना दिया, सेकुलर स्टेट बना दिया और इसके साथ में ही ये क्या हो गया, ये मूवमेंट आपका खत्म हो गया। तो ये याद रखना है कि जब वहां पे खलीफा के पद को खत्म किया गया तो कौन वहां पे नई गवर्नमेंट फॉर्म किया, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, मुस्तफा कमाल पासा, ये नाम आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन जून 1920 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, जितनी भारत में पार्टियां थी कब, इन 1920 ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई, ये इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद उस समय सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेस हुआ करता था। अप्रूव्ड अ प्रोग्राम ऑफ बाइकॉट, बाइकॉट जो उन लोगों ने स्टार्ट किया था कि बाइकॉट करना है उसको उन्होंने कर दिया, स्कूल्स का बाइकॉट करना है, कॉलेज का करना है, लॉ कोर्ट्स को करना है और महात्मा गांधी उसको लीड करेंगे। यहाँ पे समझना है कि जो बाइकआउट करना है, इन्होंने कहा बच्चों से, स्कूल जो सीनियर स्टूडेंट्स से, कॉलेज उनको बाइकआउट करना, जितने भी वकील थे उस समय उनको कोर्ट नहीं जाना है, और महात्मा गांधी से कहा कि क्या आप इस मूवमेंट का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो गांधी बाबा तैयार थे बिल्कुल, उन्होंने कहा ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट, मैं तैयार हूँ, मैंने तो कहा है कि मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना है। फिर ऑन अगस्त 31, 1920 खिलाफत कमेटी स्टार्टेड अ कंपेन ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड द मूवमेंट वॉज द फॉर्मली लॉन्च्ड, उन्होंने ये मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च कर दिया। ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, गांधी स्टार्टेड द फेमस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920, ये आपके लिए डेट इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। अभी कांग्रेस ने उसको रेजोल्यूशन को पास नहीं किया है, लेकिन उन्होंने 1 अगस्त 1920 को उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एक लेकिन आज के दिन बड़ी दुखी दुख वाली बात हुई कि आज ही के दिन 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो गई थी, इसलिए इस मूवमेंट के लिए उन्होंने तिलक या स्वराज फंड के नाम से भी जनरेट किया, बनाया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1 अगस्त 1920। तो 14th पॉइंट है, इन सितंबर 1920 एट द स्पेशल सेशन, स्पेशल सेशन कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ। ये सेशन पूछा जाता है कि कौन सा स्पेशल सेशन था, तो कलकत्ता का था, कलकत्ता अप्रूव्ड अ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, अप्रूव कर दिया गया कलकत्ता में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, पास हो गया। सेशन हेल्ड इन दिसंबर इन नागपुर, तो ये स्पेशल सेशन कब हुआ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि सितंबर महीने में, महात्मा गांधी ने कब स्टार्ट किया, अगस्त में, तो देखिए ध्यान से, अगस्त में महात्मा गांधी ने स्टार्ट कर दिया, कांग्रेस को लगा कि हम कहीं बाहर ना रह जाएं, इस नाते उसने क्या कर दिया, उसको अप्रूवल दे दिया, कब, अगस्त के बाद में सितंबर में अप्रूवल दे दिया। और जो इनका फाइनली एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था वो उनका कहाँ हेल्ड हुआ, नागपुर में हेल्ड हुआ, और नागपुर में वो रेजुलेशन पास कर दिया गया। तो अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर में इसको पास कर दिया गया, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो विजय राघवाचारी जो थे वो इसके अध्यक्षता कर रहे थे। कुल मिला के मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी जी ने प्लान कर लिया था इतने सारे इशू को, ले और खिलाफत मूवमेंट उनको सपोर्ट कर रहा था, महात्मा गांधी ने अगस्त में स्टार्ट कर दिया, सितंबर ने अप्रूव किया कांग्रेस ने, और दिसंबर में उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया कि पूरा कांग्रेस क्या करेगा, पूरी एनर्जी के साथ में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। और ये बात भी सही है कि सारे नेता एक साथ में लग के असहयोग आंदोलन को पूरी तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये आपको क्राउड ही बता रहा है कि कितनी उस समय पूरा देश, बस मेरी एक बात से आप समझ लीजिए कि उस समय रहने वाले लोग जो इतिहासकार हैं वो उस डे में ये कह रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब भारत से अंग्रेजों को जाना पड़ेगा। पूरा भारत यूनाइट है, हर जगह मोर्चे निकल रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, अहिंसा को फॉलो किया जा रहा है, स्कूल बच्चों ने छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट छोड़ दिया, सीनियर लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, महिलाओं ने, जो भी वर्कर्स थी, जो भी जॉब करती थी ब्रिटिशर्स के वहाँ पे, उन्होंने क्विट कर दिया, मतलब सब कुछ एंड, कोई भी कॉपरेशन नहीं, टोटली बैन कर दिया गया, पूरा स्ट्राइक हो गया। ये लगने लगा कि अब भारत क्या होगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा है कि ये सबसे बड़ा मूवमेंट था। इस पिक से आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा हुजूम है, जगह जगह पे इस तरीके से मीटिंग्स होती थी, क्योंकि वायलेंस को फॉलो करते नहीं थे तो कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं होता था कि वो लाठी चार्ज करेंगे या फायर करेंगे, और इतने मास पे उनको करना पॉसिबल भी नहीं था। इस तरीके से नेक्स्ट जो है, 15 नंबर का जो पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। 15 नंबर पे जो है पॉइंट, द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन इंक्लूडिंग विद इन अमिड द सरेंडर ऑफ द टाइटल्स
उन्होंने कहा कि जो हम मूवमेंट चलाएंगे तो जो अंग्रेजों ने हमें टाइटल्स दिए हैं, जो भी हमें उन्होंने दिया है वापस कर देंगे। और ठीक भी था कि भाई जिनके साथ में हमारी बन नहीं रही, जिनके खिलाफ हमें मूवमेंट करना है, फिर उनकी दी हुई चीज़ों को हम नहीं रखेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, टाइटल्स हम वापस कर देंगे, सम्मान वापस कर देंगे, बाइकआउट करेंगे गवर्नमेंट का, स्कूल कॉलेज लॉ कोर्ट्स, फॉरन क्लॉथ्स लीकर, ये जो जो चीज़ें हैं ना, फॉरन क्लॉथ्स और लीकर मतलब विदेशी कपड़े और शराब, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर ब्रिटिशर्स कमा रहे थे तो वो फॉरेन क्लॉथ से और शराब से कमा रहे थे। महात्मा गांधी ने कहा कि सारे लोग जितने भी विदेशी कपड़े की दुकानें हैं, विदेशी शराब की दुकानें, उनके बाहर आप जाइए, धरना प्रदर्शन करिए, अगेंस्ट होइए, और उनका एक भारी सा उनका नुकसान हो, क्योंकि जितना उनको फाइनेंशियली हम वीक करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे देश से वो बाहर जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं ऐसा इतिहास में इतिहासकारों ने लिखा हुआ है कि जो उनका टोटल इस पर रेवेन्यू था वो 50% डिक्लाइन कर गया, मतलब नीचे चला गया, जिससे वो बहुत ज्यादा टेंस हो गए, अपसेट हो गए। जो नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है कि उस किस मोमेंट में लोग विदेशी कपड़ों की दुकान और शराब के बाहर धरना प्रदर्शन करते थे, तो उसको याद रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मोमेंट को आप लोग उसको टिक करिएगा। जो सिक्स नंबर है, एडॉप्ट स्वदेशी, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम उनकी चीजों को बहिष्कार करेंगे तो अपनी चीजों का एक्सेप्ट करेंगे, एडॉप्ट कर लिया। हैबिट्स इंक्लूडिंग द हैंड स्पाइनिंग एंड वीविंग वर्क फॉर द एडुकेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी, बहुत सारे सुधार की उसमें बात की गई। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द पुलिस देयर फायर्ड अपॉन अ लार्ज ग्रुप, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, द पुलिस देयर फायर्ड अपॉन अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्होंने फायर किया है वो बात है 4 फरवरी की बात है, और 1922 की बात है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एक प्लेस है, मैं लिख दे रहा हूँ, चौरी चौरा एक प्लेस है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था उस समय, गोरखपुर, और जो प्रोविंस था आपका यूनाइटेड प्रोविंस मतलब संयुक्त प्रांत, अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आज भी ये स्थान है हमारा, ये शहीद स्मारक स्थल है चौरी चौरा। वहां पे क्या था, क्वेश्चन आता है कि वहां पे कौन मार्च कर रहा था, तो ये ज्वाइंट मार्च था, कभी आप सिंगल मत लगाइएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। किसका ज्वाइंट मार्च था, नॉन कोऑपरेशन का, जो असहयोग आंदोलन का प्रदर्शन बैनर लेके कर रहे थे, और दूसरा बैनर किसका था, खिलाफत मूवमेंट का, क्योंकि दोनों लोग साथ में विरोध कर रहे थे, दोनों का ज्वाइंट मार्च था, और उस पर क्या किया इन लोगों ने, गोलियां चला दी, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट पीपल जो शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे उनकी डेथ हो गई। इसके बाद में क्या हुआ कि जब किसी की डेथ होगी तो वहाँ क्राउड ज़्यादा था, लोग गुस्सा गए और वहाँ पे जाके थाने में उन्होंने आग लगा दी, और आग लगाने में 21-22 वहाँ पे जो कांस्टेबल थे उनकी डेथ हो गई थाने में जल के, जिससे क्या हुआ कि गांधी जी को लगा कि अभी भारत जो है वो नॉन वायलेंस के लिए रेडी नहीं है, और दूसरा उनको डर ये भी था कि जो 21-22 पुलिस वालों की डेथ हुई है इसके लिए वो कहीं फिर से जलियांवाला बाग हो या बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए थे वो फिर से वही अत्याचार ना करने लगे भारतीयों पर, जिससे बहुत सारे लोगों को हमको खोना पड़े, और इस डर से, या दूसरा था कि भारत अभी उतना मेच्योर नहीं है जितना वो भारत को मेच्योर समझते थे, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू है। और उन्होंने क्या किया, अगला स्टेप लिया कि ही विड्रॉ, उन्होंने वापस ले लिया क्या अचानक से। अब ध्यान से अगर देखिए, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट चल रहा है, और अचानक से घटना हुई गोरखपुर के प्रोविंस में 4 तारीख को, अचानक से महात्मा गांधी ने कहा कि इंडिया वॉज नॉट रेडी फॉर द इंडिपेंडेंस, इंडिया रेडी नहीं है किसके लिए, नॉन वायलेंस के लिए, वो आजाद होने के लिए तैयार नहीं है, और उसने तुरंत क्या कर दिया कि 18 पॉइंट ही विड्रॉ द मूवमेंट ऑन 12 फरवरी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या किया कि 12 फरवरी में, अब यहां पे देख लीजिए 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा जो गोरखपुर में पड़ता है वहां पे एक केस हुआ, बहुत सारे वहां सिपाही जेल में मर गए, और उसकी वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी को CWC मतलब कांग्रेस की वर्किंग मीटिंग बुलाई, और वहां पे ऑफिशियली खुद से नहीं अचानक से कि हम मूवमेंट वापस ले रहे हैं, ऑफिशियली सिंस ही फेल्ट दैट, उन्होंने फील किया कि पीपल वर नॉट रेडी, जो मैंने बताया टेक अप अ नॉन वायलेंस मूवमेंट, अभी लोग तैयार नहीं है कि अहिंसा के साथ में एक आंदोलन को पूरा कर सके। महात्मा गांधी ने वापस ले लिया, लोगों ने विरोध किया, अपोज किया,
सबसे ज्यादा अगर महात्मा गांधी जी को क्रिटिसाइज किया गया है तो वो सिर्फ दो इंसिडेंट थे। पहला इंसिडेंट ये था कि जब उन्होंने मूवमेंट को वापस लिया, और दूसरा मूवमेंट वो था जब भगत सिंह को फांसी दी गई। ऐसा लोगों को तब लगता था कि महात्मा गांधी अगर चाहें तो भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी पर चढ़ने से बचा सकते थे, लेकिन वो दूसरा इंसिडेंट होगा। पहला इंसिडेंट ये था कि जब इन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया, लोगों को लगा यार इतना देश पार्टिसिपेट कर रहा है, पूरा इंडिया, अचानक से एक जगह चौरी चौरा, वो भी यूनाइटेड प्रोविंस दिल्ली से बहुत दूर, छोटी सी घटना है, उसके लिए आप इतना बड़ा मूवमेंट वापस ले रहे हैं, इतने लोगों का पार्टिसिपेशन है, थोड़ी छोटी मोटी घटनाएं होंगी। लेकिन महात्मा गांधी को लगता था, ऐसा उनकी अपनी विचारधारा थी, कि नहीं हमें वापस लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारे हजारों लोगों को क्या करेंगे, गोली मारकर उनकी हत्या कर देंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने वापस ले लिया, और उन्होंने कहा भी कि मैं वापस ले रहा हूं, अगर कोई चाहे तो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन मैं डिसाइड कर लिया है कि इंडिया वॉज नॉट रेडी टू टेक अप अ नॉन वायलेंस मूवमेंट, स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होना था, मूवमेंट तो वापस ले लिया 12 फरवरी को, ऑन मार्च 10 1922, 10 मार्च 1922 को गांधी वॉज अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिए गए। क्यों? 18 मार्च को उनको क्या हो गई, 6 साल की सजा उनको सुना दी गई, क्योंकि आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, उसको जो नुकसान हुआ उसको उन दोषी मानते हुए 10 मार्च को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद में उनको 6 वर्ष की सजा हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के बाद उनको जब अरेस्ट किया गया तो कितने वर्षों की सजा हुई, तो 6 वर्षों की सजा हुई। तो हम आगे देख लेते हैं, ये एक फोटो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से इसको देखिए, चौरी चौरा इंसिडेंट। मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 4 फरवरी 1922 इस तरीके से यहाँ पे। अब देखिए, हमेशा हम लोग जानते हैं कि ज्वाइंट मार्च जा रहा था और वहाँ पे वो लोग गुस्सा हो गए और थाने में आग लगा दी, लेकिन ये आधी स्टोरी सही है, पूरी अगर स्टोरी जाननी है तो ये एक दिन पहले की फोटो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, उस समय की खींची हुई फोटो है जहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे अहिंसा नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए। वहां पे पुलिस वाले गए, उन्होंने प्रोवोक किया, उन्होंने पेशेंस को मेंटेन किया, फिर उन पर गोलियां चलाई। जब लोग नाराज हुए उसके बाद में जाके उन्होंने थाने में आग लगाई, लेकिन हम लोग क्या समझते हैं मार्च जा रहा था और थाने में आग लगा दी, नहीं, पहले यहाँ के लोग मारे गए थे उसके बाद उन्होंने थाने पे आग लगाया था। और ये दूसरी पिक है आपकी, जो वर्तमान में उसको शहीद स्मारक चौरी चौरा गोरखपुर में उसको बना दिया गया है। महात्मा गांधी हैं जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे, पूरा होल्ड कर रहे थे। ये आपके अंदर की पिक है, जो ये पिलर बना हुआ है, स्तंभ बना हुआ है, जहाँ पे आज भी हमारी वो यादें हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए शहादत दी थी। तो महात्मा गांधी ने लीड किया था, स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे कॉज थे, और कैसे एंड हुआ, तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि ये मूवमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके साथ में अगर आपको ये पीपीटी या इससे फर्दर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, अपने क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं, और ये शीट भी आपको प्रोवाइड यहाँ से हो जाएगी। तो इसी के साथ में आप लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने देखा समझा इस चीज़ को। जय हिंद।